और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हरिद्वार से। सोशल मीडिया पर वायरल हुई मातृ सदन की चिट्ठी। डीएम हरिद्वार पर स्टोन क्रशर मालिक से घूस लेने का आरोप लगाया गया है। मातृ सदन की इस चिट्ठी में सिद्धि विनायक स्टोन क्रशर मालिक से 33 लाख की घूस का आरोप लगा है डीएम हरिद्वार पर। डीएम हरिद्वार से पूछा गया है, क्या क्रशर मालिक से घूस ली गई? डीएम दीपक रावत से इस बारे में तत्काल बताने को कहा गया है। मातृ सदन का आरोप है कि माफिया प्रशासन चला रहा है। 8 मई को 20 स्टोन क्रशर के खिलाफ रेड हुई थी। डीएम ने सिद्धि विनायक क्रशर पर लगाया था जुर्माना। डीएम ने 33,57,770 रुपए का जुर्माना लगाया था। जिलाधिकारी ने क्रशर मालिक को नोटिस भेजा था। जिलाधिकारी ने 20 मई तक मांगा था क्रशर मालिक से जवाब। मातृ सदन की वायरल चिट्ठी से मातृ सदन पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। जब डीएम ने 33,57,770 रुपए का जुर्माना लगाया तो मातृ सदन की इस चिट्ठी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उस पर एक बार फिर आपको बता दें, जिलाधिकारी ने 20 मई तक जवाब मांगा था और बकायदा 33 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। 33 लाख से ऊपर का जुर्माना लगाया गया था स्टोन क्रशर के खिलाफ, सिद्धि विनायक स्टोन क्रशर के मालिक के खिलाफ। लेकिन अब जो मातृ सदन की ओर से जो चिट्ठी वायरल हुई है उसमें डीएम पर सवाल उठाए गए, आरोप लगाया गया है कि स्टोन क्रशर माफिया जो है वो प्रशासन चला रही। ये वो चिट्ठी है जो वायरल हो रही है। इसी चिट्ठी के आधार पर प्रशासन पर कई तरह से सवाल खड़े किए गए हैं मातृ सदन की ओर से। सिद्धि विनायक स्टोन क्रशर को शह दे रहा है प्रशासन, यह आरोप लगाया गया है। 33 लाख रुपए रिश्वत लेने का, घूस लेने का आरोप लगाया गया है जिला अधिकारी हरिद्वार पर। लेकिन इससे पहले ही जिला अधिकारी हरिद्वार ने सिद्धि विनायक स्टोन क्रशर के खिलाफ कार्रवाई की थी। समाचार प्लस के सवाल के इशारे पर बाबा अनशन का खेल कर रहे, ये कुछ बड़े सवाल है। बार बार अनशन का खेल क्यों खेलते हैं शिवानंद, जो बार बार अनशन का खेल खेल रहे हैं और सिर्फ एक नाम क्यों लिया गया? कहीं खनन माफियाओं के हाथों में तो नहीं खेल रहे शिवानंद? ये भी बड़ा सवाल है। 20 स्टोन क्रशर में से सिर्फ सिद्धि विनायक का नाम ही क्यों लिया गया? मातृ सदन ने एक ही स्टोन क्रशर का मामला क्यों उठाया? कहीं इसके पीछे ब्लैकमेलिंग का खेल तो नहीं? ये भी बड़ा सवाल है। जिलाधिकारी पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं मातृ सदन की ओर से। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं स्वामी शिवानंद, जो बार बार अनशन करते हैं? लेकिन एक बड़ा सवाल उनके ही सवाल से खड़ा होता है, वो ये कि कोई भी 33 लाख रुपए जुर्माने के बदले 33 लाख रुपए रिश्वत क्यों देगा? इससे बेहतर तो वो जुर्माना भर देगा। लेकिन फिर भी प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं स्वामी शिवानंद की ओर से। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी आशीष हरिद्वार से, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, बड़ा सवाल, 33 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया प्रशासन की ओर से, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि 33 लाख रुपए रिश्वत देकर प्रशासन को ही खरीद लिया गया, कोई ऐसा क्यों करेगा? बिल्कुल अनुपम, सबसे बड़ी बात है, यही सवाल भी है समाचार प्लस का कि आखिर से जब 35 लाख रुपए जुर्माना ठोक रखा है जिला प्रशासन ने सिद्धि विनायक स्टोन क्रशर पर, तो ऐसे में भला वो घूस क्यों देंगे? आखिर की उन्होंने चिट्ठी क्यों वायरल की जिसमें उन्होंने ये इस बात को कहा कि प्रशासन ने जो है बकायदा जो सिद्धि विनायक स्टोन क्रशर उसने प्रशासन को 35 लाख की घूस दी? यही सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात की ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार जो है महासदन और उसके जो संत है बकायदा यहाँ पर अनशन करते आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आसपास के जो तमाम स्टोन क्रशर हैं, इससे पहले भी उनकी मांग थी कि हर बार में जो निजी खनन पट्टों की आड़ में बकायदा इस जो अवैध खनन होता है, तो उसके बाद जो है राज्य सरकार ने फैसला लिया कि कम से कम जो वन विकास निगम है उसके माध्यम से खनन कराया जाए। और अब जो है क्योंकि फिर एक बार फिर जो चूंकि वन विकास निगम का जो खनन है वो शुरू हो गया, तो उसके बाद फिर से स्वामी शिवानंद अनशन कर रहे हैं। उन्होंने खुद को इस समय अपने कमरे में लोहे के जाल में बकायदा बंद कर रखा है, ना किसी से बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। कल शाम को भी एसडीएम और सीओ उनसे वार्ता के लिए गए थे, वार्ता करने तक को तैयार नहीं है, वो मौन व्रत धारण किए हैं। तो ऐसे में इसे हर धर्मता ही कहा जाएगा महासदन और उसके संतों की कि आखिर की वो चाहता क्या है, किसके इशारे पर ये सब हो रहा है? और कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार महासदन के संत अनशन कर चुके हैं और उनके अनशन के बाद कहीं ना कहीं आशीष, क्या ये भी सवाल खड़े करता है स्वामी शिवानंद पर कि बार बार उनका इरादा बदल जाता है, वो अनशन पर बैठते हैं फिर मान जाते हैं और फिर दोबारा अनशन शुरू कर देते हैं?
बिल्कुल अनुपम, देखिए हमेशा जब जब अनशन करते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन को झुकना पड़ता है, क्योंकि वो खुद को इस तरह का दबाव बना लेते हैं प्रशासन पर कि खुद की वो जान दे देंगे, और इसी के लेकर से प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में आता है और हर बार खनन बंद हो जाता है। और इस बार भी उनकी लगभग ऐसी ही मांगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीच बीच में जिस तरह की उन्होंने चिट्ठी वायरल की है कि एक ही स्टोन के सर जिस पर पहले से ही 35 लाख रुपए का जुर्माना हो, आखिर की भला वो 35 लाख रुपए की घूस क्यों देगा? तो कहीं ना कहीं जो उनके जो बकायदा बार बार बैठते हैं अनशन पर, तो वो भी कहीं ना कहीं उस बैठने की जो स्थिति, वो भी कहीं ना कहीं एक संदेह के घेरे में आना लाजमी है अनुपम। तो क्या ये चिट्ठी जानबूझकर वायरल की गई है सहानुभूति लेने के लिए, बटोरने के लिए? बिल्कुल, देखिए चूंकि हरिद्वार में जो खनन है बहुत बड़ा एक रोजगार है उससे जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों का परिवार उससे पलता है, खनन से पलता है, और ऐसे में कुछ एक जो पक्ष है वो चाहता है कि खनन ना हो। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की सहानुभूति लेने के लिए आसपास के जो रहने वाले ग्रामीण हैं या दूसरे जो लोग हैं उनकी सहानुभूति लेने के लिए इस तरह के पत्र लगातार जारी करते महासदन आया है। और इससे सबसे बड़ी बात है कि हमेशा जो है महासदन जिला चाहे अधिकारी हो चाहे पुलिस हो उस पर लगातार सवाल उठाता रहता है, और जबकि कुछ ही दिन पहले यहाँ पर खुद डीएम ने फील्ड में उतरकर लगभग 20 स्टोन केसरों के खिलाफ कार्रवाई की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संदेह आ सकता है कि एक ही स्टोन केसर का नाम लेना और इस तरह की चिट्ठी वायरल करना, संदेह आ सकता है कि आखिर की बार बार खनन को लेकर अनशन बैठने के पीछे उनका क्या अंदेशा हो सकता है। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष मिश्रा तमाम जानकारियों के लिए। सहयोगी आशीष मिश्रा हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं स्वामी शिवानंद पर, बार बार अनशन का खेल क्यों होता है, कहीं वो खनन माफियाओं के हाथ पे तो नहीं खेल रहे हैं?